और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी को आप देख सकते हैं हमारे साथ, प्रोफेसर विशाल मिश्रा स्टूडियो में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं AIMIM के, और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत एक बार जरा कर लेती हूँ आपसे शहजाद जी, क्योंकि आपके साथी राहुल गांधी के संपर्क में है और इस आस में भी है कि वो पलट जाए। आप लोगों के लिए मुश्किल कभी भी खड़ी हो सकती है, आप सिर्फ कवर अप कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ऑल इज वेल। सुचारिता जी, आज वैसे राहुल जी का जन्मदिवस है, उनको शुभकामनाएं जन्मदिवस की, और वो जीता जागता प्रमाण है कि केवल वय बढ़ने से, उम्र बढ़ने से बुद्धि और विवेक का विस्तार नहीं होता। सोचिए, NDA 3 की सरकार बन गई है, NDA की सरकार आंध्र, अरुणाचल और उड़ीसा में बन गई है, सिक्किम में भी NDA की सरकार बन गई है, प्रधानमंत्री और पूरा कैबिनेट ने शपथ ले ली है और इनसे एक LOP चुना नहीं जा रहा। और बताइए, हालत तो इस प्रकार से बन चुकी है कि जो गठबंधन कुछ दिनों तक था, जो निकाह फरमाया था, वो दिल्ली में निकाह अब तलाक में बन चुका है। केरल में तलाक ऐसा हुआ है कि प्रियंका को फील्ड करने से पहले लेफ्ट से बात भी नहीं की जा रही है, मुस्लिम लीग को जरूर पूछा, LOP घोषित करने से पहले समाजवादी पार्टी को पूछा नहीं जा रहा है, और विशाल पाटिल को पार्टी में लेने से पहले उद्धव जी को पूछा नहीं जा रहा है, पप्पू यादव को पार्टी में लेने से पहले RJD और तेजस्वी से पूछा नहीं जा रहा है। तो जिनके खुद के घर शीशे से बने हुए हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर फेंकने को उतार हुए, पर पत्थर फेंकना इनकी जनजात आदत बन चुकी है। अब देखिए, लूट झूठ और फूट कैसी चल रही है। लूट पर, ये महंगाई पर बोलने वाले चीख चीख कर लोग आज कर्नाटका में दूध, पेट्रोल, डीजल, पानी सबके दाम बढ़ा दिए गए। लूट वहां पर जिजिया लगाकर किया जा रहा है, उस पर बोलने को तैयार नहीं है। पूछना भाटी जी से कि कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वहां पर किसान की कमर तोड़ दी गई, उस पर कुछ नहीं बोलना है। M4 महिला बोलते थे, महिलाएं 1-1 लाख रुपए मांगने के लिए सब जगह खड़ी हो चुकी है, परंतु उसके ऊपर बोलना नहीं है। और झूठ किस प्रकार से बोल रहे हैं कि नीट पर आयुषी पटेल का झूठ सामने आ गया, LIC, HAL, SBI का झूठ सामने आ गया, और जो अकबर नगर के ऊपर भी झूठ बोला जा रहा है, भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हाई कोर्ट के आदेश से वहां पर बुलडोजर चल रहा है। तो जो लोग कानपुर में बुलडोजर पर चुप हो जाते हैं, अंबेडकर नगर पर अगर अतिक्रमण हटता है तो वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं, अकबर नगर पर पूरा चीख चीख कर बोल रहे हैं, हालांकि वहां पर मंदिर क्या मस्जिद क्या दोनों को हटाया गया। तो ये इनकी दृष्टि है लूट झूठ और फूट की राजनीति करने की। मैं एक बार जो बात आपने कही, मैं जरा एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये बात कही जा रही है कि अकबर नगर में जो हुआ है वो अब बनारस में होगा, क्योंकि 4 जून का जनादेश ये पचा नहीं पा रहे हैं। भाई 4 जून का जनादेश वो वाला है वरुण जी जो कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना गया, तो क्यों नहीं पचा पाएंगे? और ये आरोप लगा देना कि वही होगा जो कि अकबर नगर में हुआ, अकबर नगर में तो जो कोर्ट ने कहा वो हो रहा है, कोई मनमानी थोड़ा ही हो रही है वहां पर। सुचारिता जी, जयपुर में भी इन्होंने बहुत से मनमानी शुरू कर दी, बुलडोजर डहाना, गरीब लोगों का आशियाना डहाना। अभी शहजाद भाई ने कहा वो शीशे के घर, वो पत्थर में, तो इतने डायलॉग जानता नहीं, लेकिन ये जरूर है जिनके खुद के घर नहीं होते वो दूसरों के घर तोड़ रहे हैं, ये जरूर आज कहावत मशहूर हो गई इनके। आप मुझे बताइए, गरीब आदमी किस तरह से अपना आशियाना बनाता है? अपन ने दिल्ली में भी जब हुई थी, जब मेरी बात तो सुन लो आप, दिल्ली में भी कोर्ट के ऑर्डर से एक एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, उस पर आपके नेता कह देते हैं कि ये तो खीज है 4 जून वाली, उस पर वारिस पठान साहब के नेता ये कह देते हैं कि तो हिंदू मुसलमान देखकर कर रहे हैं, मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं, इट्स अ कोर्ट ऑर्डर। लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका पालन हो रहा है, कोर्ट ऑर्डर है जी, कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन जिन अधिकारियों ने कब्जे अतिक्रमण कराए उनमें एक भी अधिकारी का घर तोड़ा क्या, उस पर कार्रवाई की क्या? तो प्रशासनिक लचरता है, इतने साल से इनकी सरकार है, अगर कब्जे हो रहे हैं तो किसकी गलती है? कोर्ट तो ऑर्डर देगा, कोई रिट करेगा या कोई पेटिशन जाएगी तो उसके हिसाब से ऑर्डर करेगा, तो अतिक्रमण हुए कैसे? अपन ने जब दिल्ली में अतिक्रमण हटा रहे थे जब भी ये बात करी थी कि जो अधिकारी अतिक्रमण कराते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो अधिकारी अतिक्रमण करा रहे वही तोड़ने जा रहे हैं, वो तो मजा कर रहे हैं भ्रष्टाचारी, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई? अगर सही प्रशासन था तो जिनके अधिकारी जिन्होंने अतिक्रमण करा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई कर लेते, तो ये बात नहीं उठती। दूसरी बात मैंने कहा, देखिए गरीब आदमी का जब मकान टूटता है, अभी किसी बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए होते हैं, बड़े मॉल बने हुए हैं,
उसके खिलाफ तो नहीं हो रहा कोर्ट में आदेश, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट के प्लीडर्स होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं। दूसरा से एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, फुटपाथ का। फुटपाथ को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन फुटपाथ को जगह जगह बड़े शहरों में पार्किंग बना दी, अतिक्रमण है वो। पार्किंग बना के नगर निगम और म्यूनिसिपलिटीज उस पर वसूल रही है पार्किंग शुल्क, वो अतिक्रमण नहीं है। तो ये जो प्रशासन है, जो सरकार है, इतनी लचरता आंख मूंद के बैठी है कि अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, कब्जे करा देते हैं, फिर बेचारा गरीब अपने खून पसीने से मकान बनाता है, फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, फिर तोड़ दिया, उनको घर भी दिए गए। देखिए एक मिनट, देखिए ये तो आपको तय करना होगा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई अगर कोर्ट ने कहा है कि की जाए तो उसका पालन अगर करे कोई सरकार, तो आप उस पर सवाल उठा दे, वारिस साहब कह दे ये तो मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं। वहां पर तस्वीरें सामने आई हैं, कोर्ट ने कहा है सारे घर हटाए गए हैं वहां पर, इसीलिए कोई हंगामा नहीं हुआ क्योंकि ये लोग भी कोर्ट गए, पूरा मामला कोर्ट में हुआ। लेकिन आज ये बताने की कोशिश कर दी गई कि भाई देखिए ये तो मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है बदला लेंगे, बनारस भी चला जाएगा बुलडोजर। ये भ्रम फैलाना है क्या? सरकार बन गई है तो आप भ्रम फैलाते रहो। सुचारिता जी आ रही है, सजा जी मुझे सवाल किया क्या सुचारिता जी? वारिस साहब आपसे पूछा है। नहीं देखिए देखिए सुचारिता जी, अभी क्या है, आप सबने तो देखा चुनाव के नतीजों के पहले भी क्या था, बाद भी क्या था। पहले भी मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे थे, अब भी देखिए आप क्या किया। मांडला के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो आप 11 जो घर को तोड़ा गया है बुलडोजर की कार्रवाई में, वो तो मुसलमानों के, ये दूसरों के क्यों नहीं तोड़ते? अब दूसरी बात, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज बता रही है 50 साल से ज़्यादा से लोग यहाँ पर रह रहे थे, गवर्नमेंट के घर है, तो 50 साल से रहे थे तब तक किसी को इल्लीगल अतिक्रमण नहीं दिखा, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं दिखा। अचानक इनको समझ में आ गया कि नहीं इल्लीगल अतिक्रमण है, किसी के घर के अंदर बीफ मिल गया तो बस उसके पूरे पूरे घर को तोड़ के रख दिया। जबकि हिंदुस्तान एक्सपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट के अंदर हाइएस्ट पर चलता जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बीफ एक्सपोर्ट अलाउड है, लेकिन किसी के घर पर मिल गया उसको तोड़ दिया। अकबरनगर के अंदर क्या किया इन लोगों ने, वहां पर भी इसी तरह एक जो मस्जिद थी बनी हुई वहां पर, उसको पूरा जमीन दोष कर दिया इन लोगों ने। क्या जरूरत थी रिवर फ्रंट अच्छा करना है? अरे सुचरिता जी, जिंदगी चले जाती है एक इंसान की कमाने में, एक घर बना नहीं सकता वो आदमी, और आप बनी बनाई बसी बसाई बस्तियों को इस तरह उजाड़ उजाड़ के फेंक देंगे तो कहाँ का कानून? डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं, अगर आपके दिल के अंदर एक इमोशन ही नहीं है तो फिर आप किस तरह से सरकार चलाने की बात करो? मोदी जी को क्या होगा, सबका साथ सबका विकास? अभी आज की मैं आपको घटना, मैं यही तो कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ, आप इस ध्वस्तीकरण को मोदी से जोड़ रहे हैं, आप इसे योगी से जोड़ रहे हैं। वारिस साहब, क्या ये मोदी कर रहे हैं, क्या ये योगी कर रहे हैं? ये प्रशासन कर रहा है बाय कोर्ट ऑर्डर्स, आप कहते हैं मोदी कर रहे हैं, देखो आपके घर तोड़ रहा है योगी, आपके घर तोड़ रहा है। अच्छा प्रशासन कर रहा है। हाँ। अच्छा सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अच्छा प्रशासन की बात किया ना, हरियाणा के अंदर, हरियाणा में एक मुसलमान ने एक गाय जो भी था उसने कुर्बानी का फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे रख दिया। व्हाट्सएप के स्टेटस पे लोग रखते फोटो, यही हिंदुत्ववादी लोग सब जाकर उसकी दुकान को तोड़ फोड़ कर दिए, उसके सारे कपड़े उपड़े उतार के फेंक दिए, उसको जान से मारने की धमकी कर दिए। वहां तो प्रशासन नहीं था, तो देश में कर कौन रहा है? ये मोदी योगी की जो मानसिकता है, जो इन्होंने देश के अंदर नफरत का बीज बो दिया, जो पूरी तरह से नफरत फैला दी, जो सांप्रदायिक तनाव पूरे देश के अंदर उन्होंने क्रिएट कर दिया, उसका नतीजा देखने को मिल रहा है हरियाणा में। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को क्यों इतना बोली, बोली, जी बोला जाए उसके जी के बाद, किसी ने लगा दिया जाके स्टेटस, आप उसके साथ जाके उसके घर बाहर उजाड़ देंगे दुकान व्यवसाय? सही नहीं है, सही नहीं है, आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स, और कानून तय करेगा, पुलिस कार्रवाई होगी वो अलग है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं उसी आधार पर ये कह रही हूं कि ये जो कार्रवाई हुई ये कोर्ट ऑर्डर पर हुई, पर आप उसमें कहते हैं मोदी कर रहे हैं, आप कहते हैं योगी कर रहे हैं, और वही बात कांग्रेस पार्टी कहती है तो बनारस में भी करेंगे।